हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे क्लास 10। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख लेते हैं। टू वाले क्वेश्चन में ज्यादातर हम ये करते हैं कि क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट करना चाहिए, उससे आसानी से हो जाते हैं। तो काफी ये अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो एलसीएम कितना आ गया साइन, और ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, फिलहाल एलसीएम लेके दिखा देते हैं। ये एलसीएम हो गया साइन माइनस कोस अपॉन साइन। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टर्म ऊपर जाके हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा की, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, बस अब एक फाइनल स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम इन दोनों का अभी एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए, तो एलसीएम हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उससे ये माइनस वाली टर्म कट गई, तो आंसर कितना आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये एक आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्रिक, उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी ट्रिग्नोमेट्री की, जहाँ पे आपको इसके ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।